आप लोग खून खराबा मत कीजिए, जो जी में आया ले लीजिए, मैं अपनी इच्छा से दे दूंगा। इस रास्ते से जो भी बारात जाती है उस दुल्हन के साथ सबसे पहले सुहागरात हम मनाते हैं। अरे आगे कहाँ जा रहा है, यहाँ से सारंग का इलाका शुरू होता है। बच्चों सारंग टेढ़ी नजर कभी बर्दाश्त कर भी लेता है, मगर गंदी नजर कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता। मुझे माफ कर दो ठाकुर, मैं दोबारा यहां कभी नहीं आऊंगा। सारंग का इलाका शेर की गुफा की तरह है, जहां आने वालों के पांव के निशान तो मिलते हैं, मगर जाने वालों के पांव के निशान नहीं मिलते। वहीं रुक जाओ तुम लोग। अपनी इज्जत बचाने के लिए जो लोग अपनी जान न दे सकें, ऐसे लोग अगर हमारी जमीन पर पांव रख दें तो हमारी जमीन बंजर हो जाए। रुके रहो तुम लोग वहीं। इसे दुल्हन बनाकर तुम्हारे हवाले कर दिया जाएगा। चौधरी साहब, अगर आप उस दिन ना होते तो मेरी इज्जत नहीं बचती। आपने मुझ पर इतना बड़ा एहसान किया, लेकिन मैं आपका शुक्रिया अदा ना कर सकी। आज मैं इसलिए आई हूं ताकि इन सब लोगों के सामने ये हार पहनाकर आपको सम्मान दे सकूं। नहीं दुल्हन, हम इसे नहीं पहनेंगे। क्यों? ये तो फूलों का हार है दुल्हन। अगर कोई हमारे दुश्मनों के सरों को काट कर उसका भी हार बनाकर ले आए, हम फिर भी उसे नहीं पहनेंगे, इसलिए कि हार को पहनने के लिए सर को झुकाना पड़ता है, और चौधरी सारंग को यह पसंद नहीं कि किसी भी कीमत पर उसका सर झुक जाए। हमारी तरफ से ये तोहफा तुम्हारे पांव के लिए, तुम्हारे पांव की बहुत इज्जत है हमारे दिल में, इसलिए कि ये इज्जत बचाने के लिए कम से कम भाग तो सकते हैं। अब तुम इन फूलों पर पांव रखती हुई वापस जाओगी। आपने उसे बहुत अच्छी तरह से रुखसत किया। रुखसती देखनी है तो चांद की शादी में देखना, किस धूमधाम से हम अपनी बहन को रुखसत करते हैं।
आखिर कब तक हमें भूखा रखोगी? तब तक जब तक शिवा नहीं आ जाए। शिवा भैया आजकल बहुत देर करने लगे हैं, बहुत भूख लगी है। खाना दे दो ना भाभी। बहुत भूख लगी है तो पानी पी लो। लो भाई, तुम्हारा लाडला आ गया। अब तो फटाफट खाना लगा दो। ये बिल्कुल ठीक नहीं है भाभी। शिवा भैया के लिए तुम हम सबको भूखा रखती हो। तुम लोग तो बड़े हो,
मैं तो शिवा से पहले अपने बच्चों को भी खाना ना दूं। तुम तो ऐसी बात कर रही हो भाभी जैसे बच्चे आंगन में खेल रहे हो। पिंकी अब देर ही कितनी है, कुछ मैंने ही तो बाकी है, फिर बच्चा भी खेलेगा। सच भाभी? अरे भाभी। हाँ सच, सच भाभी। अरे हाँ रे, ऐसी बातें पूछेगा तो शर्माएगी नहीं क्या? सच? अरे भाभी जब मेरा भतीजा आएगा ना तो देखना, मैं ये सारी हवेली खिलौनों से भर दूंगा और फिर खुद सारा दिन उसके लिए घोड़ा बन के टिक 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 करता रहूंगा। अच्छा? हाँ। अगर तू उसके लिए सारा दिन टिक 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 करता रहेगा तो उसके लिए वक्त कब निकालेगा? उसके लिए? उसके किसके लिए भाभी? इसके लिए। हाँ? जिसकी बाली है। बाली? हाँ? भाभी बता कौन है वो लड़की जिसे तू प्यार करता है? लड़की? भाभी मैं कौन? भाभी मुझसे झूठ बोल रहा है ना? ठीक है। ए भाभी बता दूं? जल्दी बता। बता दूं? बताता हूं। भाभी वो उस लड़की का नाम चांद है। अच्छा? हाँ। वो अपने चौधरी सारंग है ना, उनकी छोटी बहन। चांद जी। जी भैया। सांझ होते ही पंछी भी अपने घर लौट आते हैं, कहाँ रह गई थी तुम? तुम्हें जरा सी देर हो जाती है तो ये परेशान हो जाते हैं। इन्होंने घर के सारे नौकरों को तुम्हें ढूंढने के लिए भेज दिया है। चांद जी, तेरे नाक की बाली कहाँ चली गई? भैया शायद खेतों में गिर गई होगी। कोई बात नहीं, जाओ। भीमा। जी मालिक। जितनी बड़ी हमारी जागीर है उतनी बड़ी एक छलनी बनाओ और सारे जागीर की मट्टी छान डालो। हमारी बहन चांद के नाक की बाली कहीं गुम हो गई है, हम नहीं चाहते कि उस पर गलती से भी किसी का पैर पड़ जाए। मालिक अगर किसी ने उसे भीमा, अगर उसे किसी ने उठा लिया हो तो उसे हमेशा के लिए ऊपर उठा देना। भीमा सुबह से शाम हो गई ढूंढते ढूंढते, लेकिन बाली का कहीं पता नहीं चला। जब तक बाली नहीं मिलती उसे ढूंढते रहो, जाओ। तुम लोग भी जुड़ो। क्या बात है, आज पहाड़ी पर आकर क्यों खड़े हो गए? बस यूं ही आ गया था, लेकिन यहां आकर पता चला कि इतनी ऊंचाई से देखने के बाद कभी कभी दो चीजों के बीच का फर्क मिट जाता है, और कभी कभी यही फर्क कितना सादा नजर आता है। मैं कुछ समझी नहीं। चांद, हम दोनों के बीच बहुत दूरी है। तुम्हारा भाई जो इतनी बड़ी जागीर का मालिक है, क्या हम जैसे किसानों के यहां अपनी बहन देना पसंद करेगा? नहीं चांद, मुझे तो ऐसा लगता है हम दोनों के प्यार का फैसला हो चुका है। क्या लिखा है फैसले में? जुदाई। नहीं, ये फैसला नहीं हो सकता। हमारे प्यार का फैसला या तो हमारा मिलन होगा या हमारी मौत। भीमा अगर तू बाली ढूंढ कर लाया है तो अब से चांद तुम्हें भी हमारी तरह ही राखी बांधेगी, और अगर नहीं ढूंढ कर लाया है तो हम तुम्हें
उसी मट्टी के कफन से ढक देंगे जिस मट्टी ने चांद की बाली को छिपा लिया है। अगर कहीं खो गई होती तो जरूर मिल जाती मालिक, मुझे तो लगता है उन्होंने किसी को दे दी है। मैंने अपनी आंखों से देखा उसे शिवा से प्यार करते हुए। ऐसा क्या हुआ? क्या आपने इसे गोली मार दी? शांति, जबान ऐसी तवायफ होती है जो मुजरा करना बंद नहीं करती, कभी हमारे सामने कभी दूसरों के सामने। इसने ऐसा क्या कह दिया? ऐसी बात जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते। आप कुछ तो कहिए, क्या हुआ? हम नहीं बता सकते कि क्या हुआ है। जो भी हुआ है हमारे खानदान में पहली बार हुआ है। चांद, क्या है भैया? एक सवाल का जवाब दे, बता। सारी दुनिया में मर्दों के लिए सबसे कीमती जेवर कौन सा है? मैं तो हार गई भैया, आप ही बता दीजिए वो जेवर कौन सा है। राखी, जब तेरा जन्म हुआ था ना तो हम ये सोचकर बहुत खुश हुए थे कि हमारे घर में लक्ष्मी आई है और उसी से हम राखी बंधवाएंगे, पर हमें क्या मालूम था कि एक दिन तुम हमें जिंदा लाश बना दो और ये भी भूल जाओगी कि लाश के हाथों में राखी नहीं बांधी जाती। भैया मैं कुछ समझी नहीं। हम भी कुछ समझ नहीं पा रहे हैं। चांद पर ग्रहण लगते तो देखा था, पर ये तो कभी भी नहीं सुना था कि चांद आसमान की छाती से निकलकर शर्म और बेहयाई की छत पर आकर बैठ गया हो। बता, बचपन से लेकर आज तक तेरी ऐसी कौन सी इच्छा थी जो हमने पूरी नहीं की? तुमने जहां जहां अपने पांव रखे हमने वहां वहां अपना दिल रख दिया। तुझे तेरी राखी की कसम बहना, तुझे अपने भाई के प्यार में ऐसी कौन सी कमी नजर आई जो तूने हमारी इज्जत की धूल उड़ा दी? हमने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि वो चौधरी सारंग, जिसकी जागीर की पड़ी हुई मट्टी भी उसे धोखा नहीं दे सकती, उसे अपने ही घर की मट्टी धोखा दे देगी। जी तो चाहता है कि अपने आप को गोली मार दो। भैया प्यार करना कोई पाप तो नहीं होता? प्यार करना अगर पाप नहीं होता तो दुनिया में औरतों के लिए पर्दा नहीं होता और लोग अपने घरों की दीवारें ऊंची नहीं करते। प्यार अगर पाप नहीं होता तो तुम उसे छुप कर नहीं करती। एक माँ भी अपने बेटे को छुप कर जन्म देती है, क्या ये पाप है? और उसे दूध भी अपने आंचल में छुपा कर ही पिलाती है, क्या वो भी पाप है? और भगवान भी तो छुप कर रहते भैया, क्या वो भी पाप है? मर्द की ताकत उसकी आंखों में होती है, लेकिन औरत की ताकत उसकी जुबान होती है। आज जिंदगी में पहली बार तुमने हमारे सामने अपनी मोहब्बत का नहीं बल्कि अपनी ताकत का सहारा लिया है। तुमने अपना चलन बदल दिया है, लेकिन चौधरी सारंग का उसूल वही है कि इज्जत पर लगे दाग को धोने के लिए खून टपकाओ नहीं, खून बहा दो। शांति, इन शीशों को जोड़ दो। टूटे हुए शीशे नहीं जुड़ते चौधरी। इसी तरह इज्जत भी टूट कर नहीं जुड़ती। शांति, अगर घर का मर्द बिगड़ जाए तो सिर्फ एक नस्ल बर्बाद होती है, लेकिन अगर एक औरत बिगड़ जाए तो उस घर की सात नस्लें तबाह हो जाती हैं। सात। रुक जाओ चौधरी, अगर तुमने इसे गोली मारती तो और भी तरह तरह की बातें चारों तरफ होने लगेंगी। सबसे अच्छा तो यही होगा किसकी शादी कहीं कर दो। क्या तुम ये चाहती हो कि हम इस खोटे सिक्के को खरा बताकर किसी के हवाले कर दें? हाँ। ये काम लालची और खुदगर्ज करते हैं, चौधरी सारंग ये हरगिज नहीं कर सकता। तो फिर मैं करूंगी। बेटे, बहू ने तुम्हारे बारे में हमें सब कुछ बता दिया है, अगर तुम चांद को भूल जाओ
तो अच्छा होगा। तुम उससे प्यार करके अपनी मौत को बुलावा दे रहे हो, भूल जाओ उसे। मैं नहीं भूल सकता उसे। और रही बात चौधरी सारंग की, तो सारंग कोई भगवान नहीं है कि जिसको जी चाहे जिंदा रखे और जिसे जी चाहे मार दे। शिवा, तू दिल क्यों छोटा करता है रे? मैं जाऊंगी उनके पास, हो सकता है वो ये रिश्ता मान भी जाए। बहू, अगर ऐसी बात है तो मैं खुद जाऊंगा चौधरी के पास। जो आदमी फूलों का हार तक पहनना पसंद नहीं करता, अगर उसके हाथों बेइज्जत होना पड़े तो मैं सहन कर लूंगा। तुम कहिए को हमारे बारे में सब कुछ पता चल गया है। वो मेरी शादी कहीं और कर देना चाहते हैं, इसलिए मैं सब कुछ छोड़कर तुम्हारे पास चली आई हूँ। चांद, तुम्हें इस तरह यहां नहीं आना चाहिए था। तुम समाज को नहीं जानती। जो लड़की रात के अंधेरे में घर से भाग जाती है, उसे दिन के उजाले में लोग ताने मार मार कर मरने पर मजबूर कर देते हैं। तुम इस घर में आओगी, जरूर आओगी, लेकिन हम चौधरी सारंग की इज्जत को डोली में बिठाकर बड़ी शान से लाना चाहते हैं। बेटे, कल मैं तुम्हारे और शिवा के रिश्ते की बात करने खुद चौधरी के पास आऊंगा। घबराने की कोई बात नहीं बच्चे, चलो मैं तुम्हें घर छोड़ाऊं। आओ। मायके से बाहर डोली में बैठकर जाती है और ससुराल से अर्थी पे निकलती है। तुमने आज इस परंपरा को तोड़कर एक नई परंपरा बनाने की कोशिश की है चांद, जिसे चौधरी सारंग कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता। नहीं चौधरी, नहीं, ये बात मासूम है, इस पे ये जुल्म ना करो। चौधरी, ये तुम्हारी बहन है। हाँ, हमारी बहन है ये, ऐसी बहन जिसे हम अपनी आंखों की ज्योत समझते रहे, लेकिन वही बहन हमारी आंखों से आंसू बनकर टपक गई। जो आंसू आंख से टपक कर निकल जाता है वो वापस आंख में लौट कर कभी नहीं आता। ऐसे मत कहो चौधरी, इन्होंने कोई पाप नहीं किया है, इन्होंने तो प्यार किया है, और प्यार करना तो भगवान का सबसे बड़ा धर्म है। यदि प्यार भगवान का सबसे बड़ा धर्म है तो भगवान के सबसे बड़े नास्तिक हम हैं। जो भी इस इलाके में प्यार का नाम अपनी जबान से लेगा, हम उसका नाम निशान तक मिटा कर रख देंगे। प्यार को मिटाना तुम्हारे बस में नहीं है चौधरी। तुम्हारे इस इलाके में एक नदी भी बहती है जिसके पानी पे तुम्हारा कब्जा है, लेकिन क्या तुम उस पानी की धार को उल्टा मोड़ सकते हो? नहीं चौधरी, नहीं। दिल वालों पर तुम्हारा कोई जोर नहीं चल सकता। प्यार करने वालों के तराने गूंजते रहेंगे और मिट जाएंगे प्यार को मिटाने वाले। भैया, अगर कोई गलती हुई है तो वो मैंने की है, उसकी सजा सिर्फ मुझे दीजिए। तुमने हमारे सामने प्यार का गंदा नाटक खेलना भी शुरू कर दिया। नहीं भैया। बदजात! नहीं चौधरी! चौधरी!
ऐसा मत कीजिए पिताजी, मुझे छोड़ के मत जाइए पिताजी, सब मुझे छोड़ के चले गए पिताजी। आप मुझसे नाराज हैं कि मैंने मैंने शिवा को शिवा। ए भाभी, जब मेरा भतीजा आएगा ना तो देखना, मैं ये सारी हवेली खिलौनों से भर दूंगा और फिर खुद सारा दिन उसके लिए घोड़ा बन के टिक 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 करता रहूंगा। चिताओं को साक्षी मानकर सौगंध खाती हूं, जिस पापी घमंडी ने मेरा खानदान उजाड़ दिया है, मैं उसका घमंड चूर चूर कर दूंगी। हे भगवान, मैं तुझसे भीख मांगती हूं, मुझे बेटा दे दे, बेटा दे दे। विराट सिंह जी मालिक, हमारे हुक्म के बगैर हमारी जागीर में अर्थी भी नहीं उठाई जाती, आज ये जश्न कौन मना रहा है? जिंदा है, हमारी गोलियों से अगर बच गई थी तो हमारे जुल्म का तांडव नाच देखकर तो दहशत से मर जाना चाहिए था तुझे। तू मरी नहीं और अपने पांव से चलकर यहां तक आ भी गई। मैं तेरा मुंह मीठा कराने आई हूं। क्या इसलिए कि तेरे खानदान में अब कोई नहीं बचा? नहीं, बल्कि इस खुशी में कि मेरी कोख से तेरा दामाद पैदा हो चुका है।
दो दिलों को जोड़ने का वो सिलसिला जिसे तू अपनी ताकत के बल पर तोड़ आया था, आज मैं उसी सिलसिले को फिर से जोड़ने आई हूं। अब तू दो दिलों को मिलने से रोक नहीं सकेगा सारा। लोगों ने शिशु को तो टूटते हुए बहुत देखा है, लेकिन अब वो पत्थर को टूटते हुए देखेंगे। हम पत्थर नहीं है गंगा, पत्थर को तोड़ने वाले फौलाद हैं हम। और फौलाद को पिघला देने वाली मोहब्बत की मैं पहरेदार हूं। सारंग, आज से तो उस दिन का इंतजार करना शुरू कर दे जब मेरा बेटा यहां बारात लेकर आएगा और तेरी बेटी के नाक से तेरी बाली उतार कर फेंक देगा और अपनी बाली पहना कर उसे यहां से ले जाएगा। और फिर तू अपने जागीर की मिट्टी छानते रहना। नहीं विराट सिंह, नहीं। आज पहली बार एक औरत ने सारंग को चुनौती देकर दुश्मनी की आग जलाई है। इस आग को जलते रहने दो विराट सिंह, जलते रहने दो। दुश्मनी की आग की सेक हमारे जुल्म को अच्छी लगती है। गंगा, हमें तुम्हारी चुनौती कबूल है, कबूल है हमें तुम्हारी चुनौती। आज से गंगा को हवेली में आने जाने से कोई नहीं रोकेगा। लेकिन एक बात तुझसे पूछना बहुत जरूरी हो गया है गंगा, बता दो, कहीं तो सचमुच पागल तो नहीं हो गई है? क्योंकि तू बारात लाने की बात कर रही है जबकि हमारे कोई बेटी ही नहीं है और ना ही अभी किसी के पैदा होने का कोई लक्षण ही है। हंस हंस, जोर जोर से हंस, लेकिन एक बात याद रखना, सबसे अच्छी हंसी वो होती है जो बाद में हंसी जाए, और वो हंसी मैं हंसूंगी। तू तो जमींदार है ना, सिर्फ फसल देखता रहता है। हम किसान हैं, हम मिट्टी के खुशबू से ये जान लेते हैं कि कितने दिनों के बाद मिट्टी से पौधा निकलने वाला है। सारंग, आज से 7 महीने बाद तू बाप बनने वाला है। कुछ शक है? पूछ लिया अपने बीवी से? और तुझे लड़की ही पैदा होगी। औरत होने के नाते आपने अब तक जो कुछ भी कहा उस हद तक तो ठीक है, लेकिन ये कैसे कह सकती हो कि कल बेटा होगा या बेटी? चौधरायन, आसमान और धरती के बिना दुनिया पूरी नहीं होती। जब आसमान ने मुझसे जन्म ले ही लिया तो धरती को तो तुम्हारे कोख से जन्म लेना ही होगा, तभी तो कहानी पूरी होगी। और उस कहानी को खत्म भी हम ही करेंगे गंगा, लेकिन इसके लिए जरूरी है कि पहले वो कहानी तो बने। इसलिए आज से हम भी भगवान से यही प्रार्थना करेंगे कि वो हमें बेटी ही दे और तेरे बेटे को वो लंबी उम्र दे ताकि वो अपनी बारात यहां ला सके। इसी बात पे मुंह मीठा कर ले सारंग। इस मुंह को खून की चाट लग गई है गंगा, जरा इसे साफ कर लिया करो, क्योंकि शादी में इसी मुंह से तुम्हें पंडित को बुलाना है। अगर पंडित ने तुम्हारे मुंह पे खून देख लिया वो तो डर के मारे भाग जाएगा। हमारा पंडित ऐसा है जो सिर्फ शादी ही नहीं मरने के बाद श्राद्ध भी करवाता है। विराट सिंह, गंगा के घर में बादाम और अखरोट की बोरियां भिजवा दो ताकि अपने बेटे को जल्द से जल्द जवान कर सके। मेरे बेटे को कंकर पत्थर नहीं चाहिए, बल्कि कन्यादान करते वक्त तेरा झुका हुआ सर चाहिए। एक बात कान खोल के सुन ले गंगा, सारंग का सर सूली पर चढ़ सकता है, बारूद की तरह फट सकता है, कट सकता है, मगर झुक नहीं सकता। Thank you.
रही हो? इतनी कड़ाके की सर्दी में ठंडे पानी से नहला रही हो बच्चे को? हाँ, मैं चाहती हूँ कि मेरे बेटे का जिगर सारंग की जागीर से भी बड़ा हो जाए। लगता है चौधरायन के मैके से लोग मुबारकबाद देने आ रहे हैं। बहुत बहुत मुबारक हो तुम दोनों को। सारंग, अब तुम्हारा संधी बनने के लायक हो गया है। तू अपने बच्चे को छोड़कर यहां क्यों चली आई गंगा? वो वहां अकेला पड़ा रो रहा होगा। तुम्हारा उसके लिए भी तो कुछ फर्ज बनता है ना गंगा। देख, अगर डॉक्टर और कसाई दोनों का उधार बाकी हो तो पहले कसाई का उधार चुकाना चाहिए। बहुत खूबसूरत है मेरी बहू, और ये अच्छा है। बहू जितने खूबसूरत हो बेटे के खून में उतना ही ज्यादा उबाल आता है। सारंग, तुम मुझसे ये नहीं पूछोगे कि मैंने तुम्हारे दामाद का नाम क्या रखा है? उसका नाम है शिवा। शिवा, मैं तुम्हें ये महसूस कराने आई हूं, वो प्यार की कहानी जिसे तुमने खत्म कर दिया था वो फिर शुरू हो गई है। हमने भी अपनी बेटी का नाम चांद रखा है, चांद, ताकि हम तुम्हें पिछली कहानी का अंजाम याद दिलाते रहे। गंगा, ये रिश्तेदारी तुम्हें इतनी महंगी पड़ेगी कि तुम आगे पीछे के सारे रिश्ते भूल जाओगी। वो तो बात की बात है, पहले रिश्तेदारी तो पक्की हो जाए। देख मैं अपनी बहू के लिए क्या क्या लाई हूं। चंदन हार, मोती के झुमके, सोने की कड़े, और यह है मंगने की अंगूठी। इसे तुम पहनाओगे या मैं? कोई बात नहीं, मैं ही पहना देती हूं। चौधरायन, तुम एक काम करो, एक बेटी और पैदा कर लो, क्योंकि शादी के मौके पर बहनोई का जूता छुपाने के लिए एक साली तो चाहिए, नहीं तो मजा नहीं आएगा। गंगा, तू अपने बेटे को एक ऐसी मशीन में डाल दे जिसे वो जल्द से जवान हो जाए, ताकि हम उसके खून से अपनी बेटी के हाथों में मेहंदी लगा सके। मेरी बहू की मेहंदी के लिए अगर मेरे बेटे का खून ही चाहिए तो उसके लिए इतना इंतजार क्यों?
मैं उसकी मां हूं, मेरे बेटे के रगों में भी यही खून है। सारंग, तेरी ये इच्छा भी पूरी हो गई, अब तो लोगों में शिवा और चांद की मांगनी का ऐलान कर दे, ताकि गांव वाले आकर तुम्हें मुबारकबाद दे सके। सरकार, ये बेटे बेटे का रट लगाया रहती हैं। अगर आप हुक्म दे तो उसे ढूंढ के खत्म कर दूं। नहीं, फसल पकने के बाद ही काटने में मजा आता है, उसे जवान होने दो। हमारा सर अभी भी ऊंचा है। सुना है तुम्हारे ऊंचे सर पर बीमारी ने बहुत पत्थर मारे हैं। मगर हमारा सर कोई पका हुआ आम नहीं गंगा, जो टूट कर गिर जाए। वैसे हमें जिंदा देखकर तो तुझे बहुत दुख हुआ होगा, इसलिए कि तू तो हमारे मौत की दुआएं मांगती हुई यहां तक पहुंची होगी। जो दुश्मनों की मौत के लिए दुआएं मांगते हैं वो कमजोर और कायर होते हैं। मैं तो काली माता के मंदिर से तेरी लंबी जिंदगी की प्रार्थना करके आ रही हूँ। सिर्फ इतना ही नहीं सारंग, तेरी जिंदगी बचाने के लिए हम दवा और दुआ साथ लेके आए हैं। डॉक्टर, ये सब शहर के नामी डॉक्टर हैं, ये सब मिलकर तेरा इलाज करेंगे। पंडित जी, जब तक सारंग बिल्कुल ठीक ना हो जाए, आप लोग सब मिलकर इसके लिए महायज्ञ करते रहेंगे। गंगा, हम किसी गरीब के झोपड़े की छत नहीं जो हवा के हल्के झोंके से उड़ जाए। तू अपनी नन्ही सी जान को क्यों परेशान कर रही है? घबरा मत, हम नहीं मरने वाले। सारंग, अगर तुम मर भी जाए तो भी मैं तेरा पीछा छोड़ने वाली नहीं हूं। जैसे सावित्री यमराज से लड़ गई थी, वैसे मैं भी उससे लड़ जाऊंगी। वो अपने पति की जान उससे वापस लाई थी, और मैं अपने दुश्मन की जान उससे वापस लाऊंगी। उस वक्त मामला सिंदूर का था, और आज सौगंध का। सुना है तुम लोग आदमियों को मारने के लिए सुपारी लेते हो? बिल्कुल ठीक सुना है। कितने आदमी हैं? सिर्फ एक। उसे नीचे से छोटा करना है या ऊपर से? ऊपर से। कीमत 10,000। कहाँ मिलेगा वो? अरे यार, जब भी कभी किसी लड़की के करीब आने लगता हूँ क्या है? तू शिवा है?
अरे मैं शिवा तो क्या पार्वती भी नहीं हूँ, मैं बजरंगी हूँ। नमस्ते। शिवा कहाँ है? मैं नहीं जानता। बता शिवा कहाँ है? मुझे नहीं पता। अरे शिवा की रिहर्सल मुझ पे क्यों कर रहे हो? बोल शिवा। भाई साहब शिवा मैं हूं। कटने के लिए तैयार हो जा बच्चे। शिवा, आज तक मैंने तुम्हें घर से दूर रखा, इतनी सख्त जिंदगी जीने पर मजबूर किया, तुम्हारी जान खतरे में डालकर बार बार तुम्हारा इम्तिहान लेते रहे, मैंने ऐसा क्यों किया? तुमने आज तक मुझसे नहीं पूछा क्यों? माँ, मिट्टी के बर्तन भी कुम्हार से ये नहीं पूछते कि उसको आग में क्यों तपाया जाता है। कुम्हार तो सिर्फ उसे बनाता है, लेकिन माँ तुमने तो मुझे जन्म दिया है, फिर ये सवाल कैसे पूछ सकता हूं तुमसे? मचाइएगा, इस नदी से चौधरी सारंग का इलाका शुरू हो जाता है। ये कौन है? ये चौधरी सारंग की बेटी है। कौन हो तुम लोग? मैं भरतपुर के जागीरदार हरि सिंह का बेटा रणबीर सिंह हूं। वो मेरा घोड़ा है जो गलती से आपके इलाके में आ गया, और आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने उसे मेरे लिए पकड़ लिया। यह घोड़ा मुझे पसंद है, बोलो इसकी कितनी कीमत चाहिए? यह घोड़ा मुझे भी पसंद है, मैं इसे किसी भी कीमत पर नहीं बेचूंगा।
जो चीज मुझे पसंद आ जाती है उसे मैं लेकर ही रहती हूँ। यही मेरी भी आदत है, मैं अपने पसंद की चीज कभी दूसरों को नहीं देता। रुस्तम, रुस्तम, चांद बेटा, सुना है तुमने रणबीर सिंह का घोड़ा मार दिया। हमारे इलाके में आने वाले के पांव के निशान तो मिलते हैं, मगर जाने वाले के पांव के निशान नहीं मिलते। फिर बताइए, मैं उस घोड़े को कैसे जाने देती? शाबाश चांद, देखा, ये बिल्कुल हमारी तरह है। आप ये क्यों नहीं मान लेते कि आपको बेटी पैदा हुई है और बेटी को बेटी की तरह ही रखना चाहिए, लेकिन आपने उसे आज तक एक चूड़ी भी नहीं पहनने दी। और ना पहनूंगी। देखा? क्या देखो, इसके बोल चाल, रहन सहन, किसी चीज में जरा भी औरत पर नहीं झलकता। ये इतनी जालिम हो गई है कि मैं माँ होकर भी इससे डरने लगी हूँ। जब माँ होकर तेरा ये हाल है तो गंगा जब इसे देखेगी तो उसकी क्या हालत होगी। ये गंगा कौन है? आज से 20 साल पहले उसने हमें चुनौती दी थी कि उसका बेटा अपनी मर्जी से तुम्हारे साथ शादी करके तुम्हें यहां से ले जाएगा। उसी दिन हमने ये कसम खा ली थी कि जिस दिन उसका बेटा यहां बारात लेकर आएगा, हम उसके खून से तुम्हारे हाथों में मेहंदी लगाएंगे। जब पहली बार मुझे मेहंदी लगानी होगी तो सिर्फ हाथों में ही क्यों? मैं कसम खाती हूँ उसके बेटे के खून से मैं अपने हाथ पांव दोनों लाल करूंगी। चांद, हमने तुम्हारी परवरिश इस तरह से की कि जब तुमने बैठना भी नहीं सीखा था, हमने घर की सारी नौकरानियों को बाहर कर दिया ताकि इस घर में तुम्हारी मां के सिवा कोई और औरत ना हो, और हमने उससे भी तुम्हें बहुत कम मिलने दिया। तुम्हारा खेलना कूदना, उठना बैठना सब मर्दों के साथ रहा, और फिर हमने तुम्हें निशानेबाजी, तीरंदाजी, घुड़सवारी यानी मर्दों की हर अदा सिखानी शुरू कर दी और तुम सीखती चली गई। बस अब तुम्हारे लिए सिर्फ एक चीज सीखना बाकी रह गया है जो हमने अब तक तुम्हें नहीं सिखाया। दुर्गा पूजा में हर साल हम बलि चढ़ाते आए हैं, इस साल की बलि तुम चढ़ाओ। और ये बलि तुम अपने बाएं हाथ से चढ़ाओगी, क्योंकि इसी हाथ की उंगली में गंगा ने तुम्हें बचपन में अंगूठी पहनाई थी। और इस बार मंदिर जाते वक्त तुम घोड़े पर बैठकर नहीं जाओगी, जो बलि चढ़ाने जाते हैं वो हाथी पर बैठकर जाते हैं। आज आप जान से ऐसा काम करवा रहे हैं जिसे उसके अंदर की औरत तो बिल्कुल मचाएगी। यही चाहिए हमें, यही चाहिए। जानवर की बलि चढ़ाना तो एक बहाना है, दरअसल आज हम उसके अंदर की औरत की बलि चढ़ाना चाहते हैं, और वो भी उसी के हाथ से, ताकि वो औरत मरकर फिर से जिंदा ना हो सके।
पुजारी जी, आज की बलि चांद साहब चढ़ाएंगे, ये चौधरी सारंग का हुक्म है। औरत बलि नहीं चढ़ा सकती, यह मंदिर है, यहां तेरे बाप का नहीं देवी मां का हुक्म चलता है, समझी? जय दुर्गे। चांद को बलि चढ़ाने से रोक दिया है? हम सबने उसे पहली बार देखा है मालिक, पता नहीं वो कहां का है, किस खानदान का। ढूंढ कर उसे खत्म कर दो। नहीं बाबा, ये काम मुझ पर छोड़ दीजिए। उसने मेरी बलि रोकी है, मैं उसकी बलि चढ़ाऊंगी। शिवा, आज तूने बलि देकर अच्छा नहीं किया। क्यों? तुझे शायद चौधरी सारंग की ताकत का अंदाजा नहीं, बहुत जालिम है वो। ना तो मैं चौधरी सारंग से डरता हूं, ना उसकी जिद्दी बेवकूफ लड़की से। उसके डर से मैं गांव के रस्म रिवाज को बदलने नहीं दूंगा, इसके लिए मैं मौत से भी टकरा जाऊंगा। शिवा, मैं तेरी बहादुरी की कदर करती हूं, लेकिन चौधरी सारंग इंसान नहीं, शैतान है। वो जब मौत का तांडव खेलता है तो उस तांडव को देखकर सिर्फ इंसान ही नहीं, यमराज भी डर जाता है। ऐसा एक भयानक नजारा मैंने भी देखा है, अपनी आंखों से देखा है, इन आंखों से जो कभी प्यार और मोहब्बत के सपने देखा करते थे, वो मौत मेरे प्यार की थी। हम तुझे मारेंगे नहीं, जिंदा रखेंगे तुझे, जिंदा रखेंगे, ताकि तेरी मरी हुई जिंदगी प्यार करने वालों को हमारे जुल्म और आतंक की कहानी याद दिला दिलाकर इतना डरा दे कि इस इलाके में फिर कोई हीर रांझे की नस्ल पैदा ना हो सके। हमारे साथ छोड़ दो इस लड़की को। क्यों, तेरी क्या बहन लगती है ये? अबे बहन होगी तेरी, मेरी तो ये समझ गया ना तू।
मेरी वो जी, कम से कम हमारा शुक्रिया अदा तो करते जाइएगा। किस बात का? अरे भाई, हमने आपकी जान बचाई, इस बात का। लेकिन तुमसे बीच में कूदने के लिए किसने कहा था? उन गुंडों से निपटने के लिए मैं अकेले ही काफी थी। इतनी ताकत है मुझ में। ताकत? तुम ताकतवर नहीं, एक कमजोर पागल और घमंडी लड़की हो, जो सिर्फ मजलूम और बेबस इंसानों को घोड़ों की टापों से उड़ा सकती हो या बेजुबान जानवरों को गोली से मार सकती हो। ये एक मर्द का हाथ है। और एक बात याद रखो, तुम एक औरत हो और मर्द बनने की कोशिश मत करो। मुझे अफसोस है, हमारी इस मुलाकात में भी बात खून से आगे नहीं बढ़ी। अरे पागल हो गए हो, ये क्या कर रहे हो? बजरंगी, मैं ये जख्म को खरोच कर ताजा रखना चाहता हूं। अगर ये सूख गया तो प्यार का एहसास कहां से होगा? ये एक मर्द का हाथ है। और एक बात याद रखो, तुम एक औरत हो और मर्द बनने की कोशिश मत करो। जान साहब, दूध। हट सामने से। बाबा, बाबा, बाबा कहाँ हैं? शायद अंदर होंगे। चांद बेटे, क्या बात है? बाबा, मैं कृष्णगंज वाले डेरे पर जा रही हूँ, 5-6 दिन वहीं ठहरूंगी। अच्छा है, वहां की फसल भी देख लेना। नहीं, तुम वहां जाकर जी भर के शिकार करना बेटे, ताकि तुम्हारा दिल बहलता रहे। शिकार की खोज में अगर मैं इधर उधर निकल जाऊं तो घबराइएगा मत। जंगल में जब शेर घूमता है तो घबराहट लोगों को होती है। शेर के खानदान वाले चिंता नहीं करते। जाओ बेटे, जाओ। ये शोर किस चीज का है? खंगा आ गई है। सारंग, तेरे नाना बनने के दिन करीब आ गए हैं। बहुत जल्द तेरी बेटी के गोद में हमारा पोता खेलेगा। पापा, जब तक बच्चा पैदा नहीं हुआ हो, तब बच्चा पैदा करने के नाम से हर लड़की इस तरह चिढ़ जाती है। तुम ठीक कहती हो कंगा। सारंग, मेरा बेटा जवान हो गया है और उसके खून में उबाल भी आने लगा है, इसलिए मैं चाहती हूं कि शादी जल्द से जल्द हो जाए। मैं पिछले 20 सालों से एक ही बात सोचता चला आ रहा हूं गंगा, कि तेरे बेटे की सर कटाई की रस्म इस तरह से पूरी करनी चाहिए कि फिर कोई गंगा सारंग से उलझने की हिम्मत ना कर सके। तू सिर्फ ये सोच कि तेरी बेटी की विदाई के लिए कौन सा दिन पक्का किया जाए। वही दिन पक्का कर ले जिस दिन तू अपने बेटे को मरा हुआ देखना चाहती है। दूल्हे के बारे में दुल्हन के सामने ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। बाबा, बाबा की लाडली सिर्फ बाबा बाबा कहती रहेगी,
या अपने होने वाले पति का नाम भी पूछेगी? बताओ उसका नाम, बहुत प्यारा है। नहीं सुनना मुझे उसका नाम। गंगा, चांद में इतना गुस्सा है कि वो सारी दुनिया जला दे। अगर उसने चूल्हा भी जला दिया तो भी मैं खुश हो जाऊंगी। यदि उसने तुम्हारे बेटे की चिता जला दी तो? ऐसा हरगिज नहीं हो सकता। तुमने मेरे बेटे को देखा नहीं है सारंग। अगर देख लोगे तो डर के मारे तुम्हारी आंखों के पुतलियों का रंग सफेद हो जाएगा। तुम्हारा बेटा है कहाँ? जब दूल्हा बनकर आएगा तो देख लेना। मुझे मालूम है सारा कि तेरे पास आदमी बहुत ज्यादा हैं, लेकिन हो सकता है शादी के दिन हथियार कम पड़ जाए, इसलिए रख ले इन्हें। क्योंकि जब तेरा सर मेरे बेटे के सामने झुके तो तेरे पास हारने का कोई बहाना नहीं बचे। गंगा, तुम एक औरत हो कि इतनी भयानक बातें कैसे कर लेती हो? औरत तो वो होती है चौधरायन, जो घर वालों के प्यार और साय में जीती है, लेकिन वो जिसने घर वालों की लाशों का बोझ कंधों पर उठाया है, जिसकी लोरियां तक जल गई हो, वो औरत नहीं, एक चीख बन जाती है। ऐसी चीख जो अगर आसमान से टकराए तो उसका सीना भी फट जाए। मेरी होने वाली बहू, ये तुमने बहुत अच्छा किया जो सारी पुरानी चीजें बर्बाद कर दी। मैं भी ये चाहती थी कि सारी पुरानी चीजें हटाकर नई चीजें लाऊं, ताकि जब तुम दुल्हन बनकर इस घर में आओगी तो तुम्हें नई नई चीजें मिलेंगी। चलो एक काम करते हैं, हम दोनों बाजार चलते हैं। वहां तुम्हें जो जो चीज पसंद हो मुझे बता देना, मैं उसे खरीद लूंगी तुम्हारे लिए। जिस घर को अभी तुम बर्बाद करके आ रही हो ना, वो तेरे बाप का नहीं, मेरी माँ का है, मेरा है। मैं कसम खाती हूँ उसके बेटे के खून से मैं अपने हाथ पांव दोनों लाल करूंगी। समझने की आज से एक सपेरे ने नागिन का जहर चूसना शुरू कर दिया है। गंगा,
लगता तेरे बेटे को सारंग की बेटी से प्यार हो गया है। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है, वो उसे कंधे पे उठा के कहीं ले गया है। अरे तू हंस रही है? मैं इसलिए हंस रही हूँ कि मेरे बिन बताए मेरा बेटा जिस रास्ते पर चल पड़ा है उस रास्ते पर मैं खुद उसे भेजना चाहती थी। मुझे इधर क्यों लाए हो? तुम्हें औरत बनाने के लिए। क्या मतलब? मर्दों के कपड़े पहन लेने से औरत मर्द नहीं बन जाती। मैं तुम्हारे अंदर के मर्दाने गरूर को तोड़कर औरतों के तौर तरीके सिखाऊंगा। तुम भूल रहे हो, मैं चौधरी सारंग की बेटी नहीं बेटा हूँ, जिसने सर उठाकर जीना सीखा है, सर झुकाकर नहीं। जाने दो मुझे। जाना चाहती हो? ये साड़ी पहन लो और चली जाओ, तुम्हें कोई नहीं रोकेगा। ये साड़ी मैं नहीं पहनूंगी। लेकिन मैं ये साड़ी पहनाए बगैर तुम्हें जाने भी नहीं दूंगा। यहां से भागने की कोशिश मत करना। अगर जाना ही चाहती हो तो वो साड़ी पहन लो और चली जाओ। 45, 63, 64, 65। ले बेटा खा। खाना खाया? नहीं यार, बहुत भूख लगी है। अबे ओ बुक्कड़, मैं तेरी नहीं उस जंगली बिल्ली के बारे में पूछ रहा हूँ। चल जा, उसे खाना दिया जा। नहीं खा। जा रहा हूँ, जा रहा हूँ। जो डांटता रहता है कोई ना कोई काम मुझे मरवाता। मैं जा आगे करके क्या करूँ, अब जाना ही पड़ेगा। हुआ, लगा दिया। हाँ।
अरे अरे कपड़ा अरे क्या है अब देख अब क्या करोगी अब तो तुम्हें साड़ी पहननी ही पड़ेगी अरे ये तो बगैर कपड़ों के आ रही है मैं ये साड़ी कभी नहीं पहनूंगी अबे वो खबरटी बाप की जिद्दी औलाद झरने का पानी बहुत ठंडा और हवा भी ठंडी चल रही है यहाँ के आग सेक ले नहीं तो चौधरी सारंग के अकड़े हुए सर की तरह तुम्हारा जिस्म भी अकड़ जाएगा और तुम लड़की से सिकुड़ कर लकड़ी बन जाओगी ये गरम चाय उस जंगली बिल्ली को पिला देना वरना सर्दी से अकड़ जाएगी मैं अरे यार जानबूझकर क्यों मुझे मौत के मुंह में भेज रहे हो देख पहली बार गया था तो मुंह नोच लिया था अब की बार जाऊंगा तो पता नहीं क्या क्या नोच लेगी बजरंगे जाता हूँ जल तू जलाल तू आई बला को टाल तू जंगली बिल्ली को भगा तू जल तू जलाल तू आई बला को टाल तू जंगली बिल्ली से जान छुड़ा तू शिवा शिवा उसकी तबीयत बहुत खराब है कहीं ऐसा ना हो कि मर जाए चल ये क्या कर रहे हो इसकी हालत बहुत खराब है डॉक्टर को बुलाने के लिए हमारे पास वक्त नहीं है इसलिए इसे बचाने के लिए जिस्म की गर्मी देना बहुत जरूरी है
अरे इसने कल रात को जो कुछ भी किया तुम्हें मौत के मुंह से बचाने के लिए किया। अगर कल रात इसने अपने जिस्म की गर्मी तुम्हारे जिस्म में नहीं पहुंचाई होती तो इस वक्त तुम एक लाश होती। चांद, शिवा ने अगर तुम्हारे जिस्म को छुआ है तो सिर्फ एक शरीफ और नेक इंसान की नीयत से तुम्हें बचाने के लिए छुआ। तुम्हारी इज्जत पर कोई दाग नहीं लगाया। तेरा यकीन करो तुम अभी तक पवित्र हो, पाक हो, और इसका गवाह मैं हूं क्योंकि पूरी रात मैं भी यहां मौजूद था। चांद, तुम घर जा सकती हो। जब गुस्सा था, नफरत थी, तब तो कैद करके रखा था। अब जब प्यार हो गया, बड़ी आसानी से कह दिया कि तुम चली जाओ। क्या यही है तुम्हारा प्यार? तुम्हारे प्यार से अच्छी तो तुम्हारी नफरत थी। उस नफरत में कम से कम एक अधिकार तो था। मैं 18 साल वनवास में रहकर आज अपने आप में लौटी हूं। शिवा, मुझे बहुत प्यार करना, मुझे बहुत प्यार करना शिवा। सीना
ज्यादा ही बढ़ गई है, इसलिए यह बहुत जरूरी है कि मैं इस प्यार को ठंडा कर दूं। बांध दो इसे। चल। ए! अगर तू शिवा को जिंदा देखना चाहती है तो खुशी खुशी अपनी इज्जत मेरे हवाले कर दे। नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। नहीं हो सकता तो फिर आराम से उसके मरने का तमाशा देख और ये सोच ले कि तुझे इज्जत चाहिए या शिवा।
पीछे। छोड़ दो इसे, भगवान के लिए छोड़ दो इसे। मैंने कहा ना, आराम से देखो। जान, अरे उसे क्यों इतना सता रही हो? आओ मेरे पास आओ, इसके पांव भी बांध दो। जिंदा नहीं छोड़ूंगा, जिंदा नहीं छोड़ूंगा। नहीं शिवा, अगर ये मर जाएगा तो कानन तुम्हें फांसी पर लटका देगा और मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकूंगी, नहीं जी सकूंगी शिवा।
आने वाले प्रेमी
बार बार मुझे इतने टंक मारे हैं कि अब मेरा खून भी जहरीला हो चुका है, लेकिन इस बार मैं तेरे फन को इस तरह कुचल डालूंगा कि ना तू जी सकेगी और ना मर सकेगी। रणबीर का सर किसकी गर्दन पर है? रणबीर सिंह, मैं हूं। बाबूजी, ये क्या किया आपने? गलती तुम्हारी है बेटे, तुम्हें किसी के घर की इज्जत पर हमला नहीं करना चाहिए था। बाबूजी, उस लड़की ने मेरे घोड़े को मार डाला था। बस शर्म आनी चाहिए तुम्हें, इतना भी नहीं जानते कि घोड़े की कीमत से ज्यादा इज्जत का मोल होता है। रणबीर बेटे, ये लो मेरी पगड़ी और इसे चौधरी सारंग के पैरों में रख दो। नहीं बाबूजी, यह मैं हरगिज नहीं करूंगा। क्या? अगर यह तुम नहीं करोगे तो मैं तुम्हारा सर काट के वहां रख दूंगा। चौधरी सारंग, अगर अब भी तुम्हारा गुस्सा ठंडा नहीं हुआ हो तो गोली मार दो इसे। मैं तुम्हें अपने बेटे का खून माफ कर दूंगा। एक प्रार्थना करता हूं चौधरी, तुम्हारी शान में जो मेरे बेटे ने गुस्ताखी की है, मैं उस पाप का प्रायश्चित करना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि तुम्हारे घर की इज्जत मेरे घर की आबरू बन जाए। ये रिश्ता स्वीकार कर लो चौधरी। कुछ पाप ऐसे होते हैं जो प्रायश्चित से नहीं धुलते, उनकी सजा तो काटनी ही पड़ती है। अगर ये बात है चौधरी, तो जो तुम्हारे दिल में आए वो हमें सजा दो। वैसे एक झुके हुए सर में और कटे हुए सर में कोई ज्यादा फर्क नहीं होता, लेकिन एक बात याद रखना चौधरी, मैंने तुम्हारी इज्जत को अपनी इज्जत की तरह संभाल कर रखा है। अरे सेम, हमने तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार कर ली। अगले माह की पहली तारीख को रणबीर की बारात लेकर आ जाना। बाबा, आपने मेरी शादी पक्की क्यों कर दी? पहले ये बता, तूने ये क्या पहन लिया? इसमें बुराई क्या है? इसमें साड़ी ही तो पहनी है। नहीं, ये साड़ी नहीं है। 18 साल तक जिस मेहनत से हमने इसकी परवरिश की है, उसी मेहनत का रंगीन कफन है ये।
तुम्हें जिस रूप में पहली बार हमने वहां देखा, तो तू हमें हमारा बेटा चांद नहीं नजर आई, तो उसकी लाश नजर आई। फिर हमने सोचा कि लाश को देर तक रखो तो बदबू देने लगती है, इसलिए हमने उस लाश का रिश्ता तय कर दिया। आप कैसे बाप है जो जीते जी अपनी बेटी को लाश कह रहे? और तुम कैसी माँ हो? 18 साल बिछुड़ने के बाद तुम्हें तुम्हारी बेटी वापस मिली है, तुम्हारी बेटी, और तुम यूं ही खड़ी हो? अरे आगे बढ़कर इसे सीने से लगाओ और चूड़ियां पहनाओ, चूड़ियां। जहां तिलक लगाया करते थे वहां पर टीके लगाओ और इसे सजाना शुरू करो, क्योंकि 7 दिन के बाद इसकी बारात यहां आने वाली है। बाबा, मैं शादी नहीं करूंगी। सारंग का फैसला तुम्हारे जिस्म का लिबास नहीं जो तुम्हारी मर्जी से बदल जाए। हम हरि सिंह को जुबान दे चुके हैं और मैं किसी को दिल दे चुकी हूं। बीस साल पहले जिस बात को हमारे सामने कहने की हिम्मत हमारी बहन भी नहीं कर सकी थी, जबकि वो हमारे साथ खेली कूदी बड़ी हुई थी, उसी बात को तूने, जो हमारी खुद की पैदाइश है, सबके सामने खुलेआम कह दी। हमने तो तुमसे प्यार करने की इंतहा कर दी और तुमने बेशर्मी की हद कर दी। इसमें इसका क्या दोष? आपने तो इसे शर्माना सिखाया ही नहीं, तो ये क्या जाने? जैसा स्कूल खोलोगे वैसे ही तो बच्चे होंगे। लेकिन जैसे बच्चे होंगे वैसा बाप नहीं होगा। एक बात अच्छी तरह से याद रखना चांद, हमारी बहन की तरह कोई भी गलत कदम घर से बाहर मत निकालना। तू तो जानती है कि हमारी जागीर में जाते हुए कदमों के निशान नहीं रहते। मोहब्बत की जमीन पर आने वालों के पांव के निशान तो मिलते हैं, मगर जाने वालों के पांव के निशान वहां भी नहीं मिलते बाबा। अभी तो तू तालियां बजा रही है, जब अंजाम देखेगी ना तो छाती पीटेगी। और तू तड़पेगा जब तुझे मालूम होगा कि वो कौन है जिसे चांद प्यार करती है। कौन है वो? कौन है वो? पता कौन है वो? बोल। जब चांद चुप हो गई तो अब इससे तो कुछ नहीं पूछ सकता। ये क्यों भूलता है सारंग कि ये तेरी ही औलाद है? लेकिन तू चिंता मत कर, मुझे मालूम है वो कौन है। सारंग, समझ ले तू हार गया। सारंग कभी भी किसी भी कीमत पर नहीं हार सकता। तू क्या समझता है प्यार की हार हो जाएगी? सारंग जिससे नफरत करता है उसे सिर्फ हराता ही नहीं, मिटा डालता है। अरे जा।
दुनिया के प्यार। बंद करो, बहुत हो गया ये तमाशा। उसका नाम बताओ वरना। अगर गोली मारनी है तो अपने आप को मार। तेरी सबसे बड़ी हार ये है सारंग कि गंगा का दूध जीत गया और तेरा खून हार गया। नहीं समझा? हाँ तो सुन, जिससे ये प्यार करती है वो गंगा का बेटा शिवा है। आगी राव इसके बाप है। इसके बाप से ज्यादा हम चौधरी सारंग है। हट जाओ सारंग। खबरदार जो तूने इस पर गोले चलाए। तू होती कौन है हमारे बीच में बोलने वाली? ये हमारी होने वाली बहू है, मेरी घर की लक्ष्मी। गंगा सारंग याद कर, 20 साल पहले इसी जगह हम दोनों ने मिलकर कुछ वादे किए थे, याद है ना सारंग? याद तो तुझे जरूर होगा, लेकिन मुझे लगता है तुम मेरे बेटे से डरते हो, उससे मुलाकात करने की हिम्मत नहीं है तुम्हें, इसलिए तुम नहीं चाहते हो कि मेरा बेटा बारात लेकर यहां आए और सबके सामने तुम्हारी हार हो, इसलिए तुम अपनी औलाद की बलि चढ़ाना चाहते हो। याद रखना सारंग, तुम्हारे पास ये मेरी अमानत है, अगर तुमने प्यार से इसे विदा नहीं किया तो मैं इसे छीन कर ले जाऊंगी। गंगा पापी जितनी बार गंगा गंगा पुकारे ये उसके लिए अच्छा है, क्योंकि इससे उसके पापों का बोझ कुछ कम हो जाता है। हमने कभी कोई पाप नहीं किया है गंगा, उल्टा पापियों को हमने हमेशा सजा दी है। हमने अगर गंगा तुझे जिंदा रहने की छूट न दे रखी होती तो आज तू जिंदा वापस न लौटती। अगली बार आना तो अपने बेटे को लेकर आना, ताकि 20 साल पहले हमने जो प्रतिज्ञा की थी उसे हम पूरी कर दें। शांति, इसकी शादी की तैयारियां शुरू कर दो। जा रहे हो शिवा? चौधरी सारंग की हवेली पर। क्यों? वो अपनी बेटी चांद की शादी रणबीर सिंह से कर देना चाहता है। मैं जानती हूँ, लेकिन तुम्हें वहां जाने की कोई जरूरत नहीं। वक्त का इंतजार करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। बंद करो ये सब। इस घर में कोई दुल्हन वलन नहीं आने वाली, जिसके स्वागत के लिए तुम लोग इस घर को सजा रहे हो। मैं इस घर में दुल्हन की जगह एक नौकरानी लाने वाला हूं, और जिसने भी उस पर जरा सी भी दया की तो मैं उसे गोली से उड़ा दूंगा, समझे? और यह हमेशा याद रखना कि वो हमारे नौकरों की भी नौकरानी होगी।
करके हार गया दिल फरियाद करके हम रो रहे हैं हम रो रहे हैं हम रो रहे हैं तुम्हें याद करके तुम्हें याद करके याद करके हार गया दिल फरियाद करके हम रो रहे हैं हम रो रहे हैं हम रो रहे हैं तुम्हें याद करके तुम्हें याद करके है दम हम तब तक लड़ेंगे जुल्मों की आंधी को हम मोड़ देंगे जब तक है दम हम तब तक लड़ेंगे जुल्मों की आंधी को हम मोड़ देंगे लाएंगे हम तुमको ओ लाएंगे हम तुमको आजाद करके हम रो रहे हैं हम रो रहे हैं हम रो रहे हैं तुम्हें याद करके तुम्हें याद करके हार गया दिल शिवा अब मैं घर वापस नहीं जाऊंगी और मैं तुम्हें वापस जाने भी नहीं दूंगा माँ ये चांद है माँ ये अपना घर छोड़कर आ गई है ये तुमने अच्छा नहीं किया बेटी शिवा इसे वापस भेज दो शिवा इसे वापस भेज दो
नहीं, मैं इसे वापस जाने नहीं दूंगा। याद है एक दिन तुम्हें ने कहा था कि कुम्हार के बर्तन आपके भट्टे में तप कर भी कुछ नहीं बोलते, लेकिन तुमने तो मेरी बात ही काट दी। 20 साल से जो अधिकार मैं तुम पर समझ रही, आज तुमने वो अधिकार मुझसे एक ही पल में छीन लिया। नहीं माँ, नहीं। तू चाहे तो मेरे बदन से खून का एक कतरा निचोड़ ले, लेकिन मैं उफ तक नहीं करूंगा। लेकिन मैं चांद को वापस नहीं जाने दूंगा, नहीं जाने दूंगा। तो फिर रात के अंधेरे में ले जाए इसे, ताकि सुबह लोग ये कहें कि तुम इसे लेके भाग गए हो। प्यार करने वाले तो दुनिया से टकरा जाते हैं, लेकिन तुम भगोड़े बनना चाहते हो, तो जाओ, भाग जाओ। मुझे तुम्हारे जाने का कोई अफसोस नहीं होगा। अफसोस होगा तो इस बात का कि सारंग की एक गोली मुझे क्यों नहीं लगी। फिर ना तो मैं जिंदा रहती और ना ही सौगंध खाती। कौन सी सौगंध माँ? मेरी सौगंध की ऊंचाई को तुम तब तक नहीं समझ पाओगे जब तक मैं तुम्हें लाशें नहीं गिनवाऊंगी। मुझे माफ कर दो मां, मुझे माफ कर दो। कसम खा के कहता हूं मां कि चौधरी सारंग का सर काट कर तेरे कदमों में रख दूंगा। नहीं, मुझे ये नहीं चाहिए। ये इंतकाम की जंग नहीं, ये नफरत और मोहब्बत की जंग है। नफरत सर काटती है और मोहब्बत सर झुकाती है। मुझे सारंग का कटा हुआ सर नहीं, उसका झुका हुआ सर चाहिए।
चलो इसे। मेरी बात मान, शिवा और चांद के प्यार के सामने अपनी हार मान ले। ये सर, तुम अच्छी तरह जानती हो गंगा, आज तक किसी के सामने झुका है न झुकेगा। लेकिन आज तो तुम्हें किसी भी कीमत पर झुकना पड़ेगा चौधरी सारंग। प्यार से झुकोगे तो पैर छू लूंगा, वरना धूल में मिल जाओगे चौधरी। चौधरी, एक बार मैंने हाथ जोड़कर तुमसे तुम्हारी बेटी का हाथ मांगा था, लेकिन गंगा बहन से शिवा और चांद के प्यार के बारे में जानकर आज मैं फिर हाथ जोड़कर विनती करता हूं, अपनी बेटी का हाथ शिवा के हाथ में दे दो। नहीं बाबूजी, मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगा। बेटे, चांद और शिवा आपस में एक दूसरे को प्यार करते हैं, इसलिए चौधरी की बेटी पर शिवा का ही हक है। बारात वापस ले चलो। ये बारात वापस नहीं जाएगी बाबूजी। आप भूल रहे हैं कि हम ठाकुर हैं और ठाकुरों की बारात बिना दुल्हन लिए वापस नहीं लौटती। जिद न कर बेटे, चल। मैं नहीं जाऊंगा, मैं यहां से दुल्हन लिए बिना नहीं जाऊंगा। अगर तेरी यही जिद है तो ठीक है, बारात दुल्हन लिए बगैर यहां से जाएगी भी नहीं। गंगा बहन, अब मैं भी तुम्हारा बाराती हूं। सिंह, तुमने अपने बेटे को अपना फैसला तो सुना दिया है, अब हमारा फैसला भी सुन लो। चौधरी सारंग की बेटी की टोली जाएगी तो सिर्फ तुम्हारे घर, वरना कहीं नहीं जाएगी। ये हमारी इज्जत का सवाल है। बाबा, अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरी वजह से आपकी बेइज्जती हो रही है तो गोली मार दीजिए मुझे। न मैं रहूंगी, न मेरी वजह से आपको बेइज्जती का सामना करना पड़ेगा। चौधरी, एक बेटी तो अपने बाप की इज्जत के लिए अपने प्यार को कुर्बान करने के लिए तैयार हो गई, क्या एक बाप का अपने बेटी के लिए कोई फर्ज नहीं बनता? चौधरी सारन बनकर तो आपने न जाने कितने प्यार भरे घरों को तबाह कर दिए। एक बाप बनकर अपनी बेटी का घर तो बसा दो, सिर्फ एक बार बाप बन जाओ चौधरी, सिर्फ एक बार। बिजट सरक, आपको कुछ बनाने या उजाड़ने की जरूरत नहीं है। आपने चांद से मेरी शादी तय की थी तो उसी से मेरी शादी होगी। अब मैं चांद को लेकर जा रहा हूं और किसी भी माई के लाल में हिम्मत आए तो चांद को मुझसे लेकर दिखाए। चल चांद। Thank you.
इसे माफ कर दे। चौधरी ने या एक बाप ने? ये बाप का हुक्म है, शादी की तैयारियां शुरू करो। शिवा, ए बाली, चांद को पहना दो। आशीर्वाद ले लो उनसे। लेकिन चौधरी सारंग नहीं हारा।